गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, वाच्य हम पढ़ चुके हैं, आज हम वाच्य का रिवीजन करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। ठीक है, मतलब वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, इन्हीं के आधार पर हम वाच्य का निर्धारण करते हैं। बच्चों, वाच्य के तीन भेद होते हैं, ये आप जानते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, क्या मेन होता है हमारा? कर्ता, सब्जेक्ट, तथा क्रिया का लिंग, वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। माँ पढ़ रही है, नेहा खेल रही है, नीरज लिख रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, पिताजी आ रहे हैं। इन वाक्यों में हमारी जो क्रिया है वो इन वाक्यों के कर्ता के साथ जुड़कर आ रही है। जैसे नेहा स्त्रीलिंग है तो खेल रही है ना, नीरज पुल्लिंग लिख रहा है, पिताजी को हम सम्मान दे रहे हैं तो आ रहे हैं। बच्चों, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण देखिए, सीमा खा रही है, तो ये क्या हुआ हमारा? खा रही है मतलब कुछ है वहां पर, जैसे चाहे फल है, अमरूद है, तो सकर्मक क्रिया। सीमा हंस रही है, तो इसमें कर्ता और कर्ता के प्रभावक दोनों ही कौन है? सीमा। दूसरा है कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का वचन तथा लिंग किसके साथ जुड़कर आता है? कर्म के अनुसार होता है। जैसे नानी द्वारा स्वेटर बुना गया, माँ द्वारा नेहा को स्वेटर पहनाया गया। इन लिखे हुए वाक्यों में नानी और माँ तथा तीसरे वाक्य में नेहा करता है, इनकी क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की गई है। कर्मवाच्य का प्रयोग, बच्चों, जहां पर कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जैसे मामले की जांच की गई, इसे न बताया जाए, और जैसे जिस क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, मिठाई भेजी गई, पत्र भेजा गया, मतलब कोई है जो मिठाई भेज रहा है, कोई है जो पत्र भेज रहा है। नेक्स्ट है आपका भाववाच्य, जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है न तो कर्म से, भाववाच्य वाले वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन तथा पुल्लिंग रूप में रहती है। और क्रिया कैसी होती है? अकर्मक। माँ से चला नहीं जाता, नेहा से हंसा नहीं जाता, यहां क्रिया में भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट है बच्चों वाच्य परिवर्तन, इन वाच्य परिवर्तन को हम कल जानेंगे। अभी आज हमने जो जाना वह है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। आप इसको पाठ में देखेंगे, एक्सरसाइज वर्क हम कर चुके हैं, इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे। कल यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन के विषय में, क्योंकि वाच्य परिवर्तन के द्वारा हम उसी बात को कहते हैं परंतु हम वाक्य की रचना में परिवर्तन कर देते हैं, हमारे वाच्य का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो कल हम जानेंगे हम इसको कैसे परिवर्तित करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।